ये है 2900 रुपए का वन प्लस सिक्स का। इस कंडीशन देख सकते हैं 2900 रुपए के फोन की कुछ ऐसी कंडीशन। ओ भाई साहब देख सकते हैं गाइस 5000 रुपए का ये एक 5G फोन है, देख सकते हैं 5000 रुपए ही हुआ हमको, देख सकते हैं गाइस कंडीशन आप देख। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लस आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी होने वाले, क्योंकि आज हम कैसीफाई सुपरसेल ऐप से दो इंटरेस्टिंग फोन का अनबॉक्सिंग करने वाले है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इस साइड भी देख सकते हैं, इस साइड भी देख सकते हैं, जो की फोन है एक है हमारा वन प्लस सिक्स एंड एक है हमारा Xiaomi 11 5G फोन। आप देख सकते हैं दोनों साइड में आपको दिखा रहा हूँ, तो इन दोनों का हम टेस्टिंग करने वाले हैं, अनबॉक्स करने वाले हैं। प्लस गाइस इंटरेस्टिंग बात इसलिए होने वाली है क्योंकि ये दोनों अलग अलग ग्रेड में है एंड गाइस लोवेस्ट ग्रेड में है। एक है ग्रेड ई प्लस का वन प्लस सिक्स जो कि है सीपोसी 3191 रुपए का। आप इधर देख सकते हैं ग्रेड ई प्लस का है, जो कि आपको बता होगा ग्रेड ई प्लस बिल्कुल लोवेस्ट ग्रेड होता है, ग्रेड ई और ई प्लस उसमें आपको रिटर्न पॉलिसी देखने को नहीं मिलती। तो इसका देखने वाले कंडीशन कैसा आने वाला है गाइस मुझे फिलहाल कुछ भी आइडिया नहीं है। एंड एक हमारा गाइस फोन है 5G फोन है जिसका प्राइस है सीपोसी 5970 रुपए। आप इधर देख सकते हैं जो कि Xiaomi 11 5G फोन 8/128 GB का एंड ये भी लोएस्ट ग्रेड का, ये है ग्रेड डी माइनस का फोन। तो गाइस एक ग्रेड ई प्लस का है और एक ग्रेड डी माइनस का है, दोनों के दोनों लोएस्ट ग्रेड के हैं। ग्रेड डी माइनस में वैसे रिटर्न पॉलिसी होती है, बट ग्रेड डी माइनस में आपको फोन के अंदर दो फंक्शनल डिफेक्ट एंड डिस्प्ले में कुछ ना कुछ इश्यू आ सकता है, स्पॉट आ सकता है, लाइन आ सकता है, ब्रोकन आ सकता है। तो देखते हैं एंड देखते हैं कि दोनों लोएस्ट ग्रेड में से कौन से वाले ग्रेड की अच्छी कंडीशन का फोन हमको रिसीव हुआ है। एंड गाइस ये फोन 5G है और ये फोन 4G है। एंड गाइस अभी आप बोलोगे कि आपने थंबनेल तो बहुत कम प्राइस लिखा है, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर गाइस, ये फोन ना हमारे दो अलग अलग कस्टमर ऑर्डर करवाया था, एक जो कस्टमर जो कि गुजरात से है एंड इनको ये फोन मैंने दिलाया है, देख सकते हैं 5140 रुपए, देख सकते हैं उन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया, मैंने डिस्काउंट दिलाया था क्योंकि उन्होंने मुझे वीडियो के लिए फोन दिया था। एंड एक जो हमारे सब्सक्राइबर है इन्होंने, तो इनको मैंने ये फोन दिलाया है 2999 रुपए में, जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया था गाइस, ठीक है। तो 2999 रुपए का ये वन प्लस सिक्स एंड 5100 रुपए का ये Xiaomi 11 5G फोन। तो देखने वाले हैं कंडीशन कैसी निकलने वाली है इस बॉक्स के अंदर गाइस, दोनों के दोनों डिवाइस एक ही बॉक्स के अंदर आपको भेजे गए कैसीफाई सुपरसेल ऐप की तरफ से। तो देखते हैं कि कैसीफाई सुपरसेल ऐप से ये दो अलग अलग ग्रेड के फोन आखिर हमको कैसे मिले हैं, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, सब कुछ हम टेस्ट करने वाले गाइस। तो चले बिना किसी विलंब को करते हैं इस दोनों डिवाइस का अनबॉक्सिंग। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले बता दूं गाइस, मेरा नाम है जय परमार और मैं सस्ते में आईफोन्स एंड एंड्रॉइड फोन की अनबॉक्सिंग लाता रहता हूं मेरे इस चैनल पे एंड हम संडे को कीवीओवे भी करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना गाइस। तो चले करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो बॉक्स के ऊपर आप इतना देख सकते हैं लिखा है इस स्टो, मतलब कि इस बॉक्स के अंदर दो पीस है। चलिए निकालते हैं दोनों। एंड हाँ गाइस, मैंने ना ये दोनों फोन जब मैं ऑर्डर कर रहा था तो मैंने एक ऑर्डर डिटेल्स वीडियो बनाया था जो कि हमारे सेकंड चैनल टीच आर्मी पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा, आप जाके चेक जरूर से कर लेना। ऑलराइट, बॉक्स ओपन कर लिया है गाइस। पहले देखने को मिलेगा बिल एंड ये थोड़ा बबल रैप से, चले बिल देख लेते हैं। तो दोनों डिवाइस की डिटेल्स एक ही बिल के अंदर मेंशन करके भेजी गई है, देख सकते हैं। पहला फोन है हमारा सेकंड हैंड वन प्लस सिक्स, 6GB रैम 64GB स्टोरेज ग्रेड ई प्लस में एंड ये हमको भेजा गया है मिरर ब्लैक कलर में, चले कोई बात नहीं। जो दूसरा फोन है हमारा सेकंड हैंड Xiaomi 11 i5G, ये 8/128 GB का है एंड ये ग्रेड डी माइनस का एंड ये हमको भेजा गया है पैसिफिक पीएल कलर में, देख सकते हैं। तो चलिए बिल को रखते हैं साइड पे एंड निकालते हैं हमारे दोनों डिवाइस को। तो गाइस ये रहा पहला डिवाइस, पता नहीं कौन सा है, इसको रखते हैं साइड पे एंड ये रहा हमारा दूसरा डिवाइस, चलिए इसको भी रखते हैं साइड पे एंड इसके अलावा बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं, तो बॉक्स को रखते हैं साइड पे एंड गाइस चलिए निकालते हैं दोनों डिवाइस को। तो दोनों डिवाइस बबल रैप से लिपटे हुए हैं, पहले तो मुझे पता नहीं कौन सा डिवाइस कौन सा है, पहले ये वाला देखते हैं कौन सा फ़ोन है। तो गाइस ये वाला ओके, आई थिंक ये वन प्लस का है, देख लेता हूँ मैं। जी हाँ गाइस, ये है 2900 रुपए का वन प्लस सिक्स गाइस। कंडीशन देख सकते हैं 2900 रुपए के फ़ोन की कुछ ऐसी कंडीशन को मिली है। तो गाइस लिटरली ग्रेड ई प्लस का फ़ोन था एंड ग्रेड ई प्लस पे मैंने सोचा था कि ये पूरा टूटा फूटा आएगा, पूरा ब्रोकन आएगा, बट देख सकते हैं जो इसका ग्लासी बैक पैनल जो कि हमको फर्स्ट इंप्रेशन में नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियर, देख सकते हैं साफ सुथरा तो है, बाकी तो कुछ भी टूटा फूटा पहले तो हमको देखने को नहीं मिला गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं फ्रंट की, तो गाइस ये इसका फ्रंट ओके। तो फ्रंट की कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर भी कुछ भी क्रैक या फिर हेयरलाइन वगैरह नहीं है, देख सकते हैं ज़्यादा कोई स्क्रैच भी नहीं है। तो गाइस ग्रेड ई प्लस वाले फोन की कंडीशन तो गाइस बहुत ही मस्त आई है, अभी देखते हैं ग्रेड डी माइनस की क्या हाल है। तो इसको अभी साइड पर रखते हैं एंड आते हैं हमारे Xiaomi 11 i5G फोन के ऊपर। ओके गाइस, तो ये है 5000 रुपये का 5G फोन
क्योंकि गाइस इसकी कंडीशन, ओ भाई साहब देख सकते हैं गाइस, 5000 रुपये का ये एक 5G फ़ोन है, देख सकते हैं 5000 रुपये का 5G फ़ोन, Xiaomi 11i 5G गाइस, कितना ही मस्त रिसीव हुआ हमको, देख सकते हैं गाइस कंडीशन आप देखिए, वाओ गाइस। तो गाइस ये ग्रेड डी माइनस का है, एंड इसकी कंडीशन की बात करें तो ये भी हमारे ग्रेड ई प्लस की कंडीशन से कम तो नहीं है पहले तो, देख सकते हैं। बट बात करते इसकी फ्रंट की, तो 1, 2 एंड 3 और राइट, तो देख सकते हैं फ्रंट में गाइस, देख सकते हाँ ग्रेड डी माइनस की पॉलिसी होती है, आपको फ्रंट में कुछ ना कुछ ब्रोकन आ सकता है। तो गाइस हमको ब्रोकन मिल गया है, देख सकते हैं डिस्प्ले हल्का सा क्रैक है इधर, अगर आप ओके आप साहब देख पा रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूँ सनलाइट में, देख सकते हैं तो इधर भी क्रैक है एंड इधर भी क्रैक है। तो गाइस पहले तो ये जो फ़ोन है ग्रेड डी माइनस का की पॉलिसी के मुताबिक हमको क्रैक देखने को मिला है डिस्प्ले में, बाकी तो बैक पैनल पूरा साफ सुथरा, देख सकते हैं गाइस इसका जो लुक है बड़ा ही प्रीमियम लग रहा है। बाकी ऐसा है दोनों का हम आउटडोर कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, करते हैं हमारे वन प्लस ग्रेड ई के वन प्लस 6 की आउटडोर कंडीशन। तो गाइस मैंने सोचा नहीं था कि ग्रेड ई प्लस में भी इतना अच्छा फिजिकल कंडीशन मुझे रिसीव होगा, देख सकते हैं कि कहीं से ब्रोकन नहीं पैनल जो कि ग्लास पैनल के साथ हमको मिला है, मस्त लग रहा है एंड कहीं से टूटा फूटा नहीं है, कोई ज़्यादा स्क्रैच नहीं है। अभी ये जो थोड़ा यूजर सिंबल बन गया है फिंगरप्रिंट का, वो मैं जैसे अभी ऐड किया था इसलिए, एंड इस कैमरा लेंस के ऊपर भी आप देख सकते हैं कोई स्क्रैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेम बाय फ्रेम मैं आपको दिखा देता हूँ, तो गाइस हाँ फिजिकल में कैसे बटन में इश्यू हमको आ रही है, ये जो बटन है वो ऐसे बिल्कुल लूज है पूरा, देख सकते हैं अनवर्क, शायद वर्क नहीं करेगा ये। एंड पावर बटन तो ओके प्रेस हो रहा है, एंड पूरे फ्रेम बाई फ्रेम अगर देखें तो कहीं से कलर निकला हुआ या फिर ज़्यादा स्क्रैच डेंट ऐसा नहीं है। चार्जिंग बोर्ड के अराउंड थोड़ा बहुत कलर निकला हुआ है, एंड बाकी इस साइड देखें तो इधर एक दो जगह पे ऐसा पेंट पिल आपको देखने को मिलेगा, बाकी फिटिंग गाइस लूज ऐसा कोई सीन नहीं, फिटिंग पूरा फिट टू फिट है। एंड गाइस बात करते हैं स्क्रीन की फिजिकल कंडीशन की, तो देख सकते हैं कुछ रैम्बो टाइप स्क्रीन लग रहा है, आई थिंक इसका स्क्रीन चेंज किया गया होगा, बाकी तो स्क्रीन में कोई क्रैक या फिर स्क्रैच ऐसा कोई सीन नहीं है जैसे कि आप इधर देख सकते हो गाइस। तो ये था इस 2900 रुपये के वन प्लस का आउटडोर हमारे ग्रेड डी माइनस के Xiaomi 11i 5G फोन की आउटडोर कंडीशन। तो पहला देख सकते हैं मैंने इसको साफ नहीं किया, ये जो आप देख रहे हो ये थोड़ा स्टिकर का ग्लू वगैरह, जिसको मैं ऐसे करूंगा तो ये साफ हो जाएगा, लिक्विड से मैं साफ कर दूंगा बाद में। फिलहाल तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं इसका जो बैक पैनल है गाइस एकदम साफ सुथरा, कोई स्क्रैच नहीं। कैमरा लेंस के ऊपर आप देख सकते हैं पूरा 108 मेगापिक्सल कैमरा आपको देखने को मिलता है इस फोन के अंदर, एंड गाइस कैमरा लेंस के ऊपर आपको थोड़ा बहुत डस्ट देखने को मिलेगा, बाकी तो पूरा क्लियर ही है, देख सकते हैं कुछ कोई स्क्रैच वगैरह ज़्यादा नहीं है। एंड गाइस बात करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम कंडीशन, तो देख सकते हैं इधर हाँ इधर फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं इधर एक आपको डेंट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं आई थिंक ये फ़ोन गिरा होगा थोड़ा बहुत इंपैक्ट से। नीचे अगर आप देखें तो इधर आपको एक देखने को मिलेगा, एंड स्पीकर के अंदर कोई डस्ट वगैरह नहीं है। एंड इस साइड की कंडीशन की बात करें तो गाइस पूरा नीट एंड क्लीन है, देख सकते हैं। एंड ऊपर की कंडीशन की बात करें तो देख सकते हैं जो इधर JBL का जो लोगो बना है स्पीकर के जस्ट साइड में, वो भी देख सकते हैं क्लियरली दिख रहा है साउंड बाय JBL। एंड गाइस बात करते हैं इसकी स्क्रीन की कंडीशन की, तो गाइस ग्रेड डी माइनस के मुताबिक हमको स्क्रीन ब्रोकन मिला है, बट उतना डीप नहीं है, बस ऊपर से हल्का ब्रोकन है, आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे हल्के क्रैक देखने को मिल जाएंगे जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। तो गाइस ये था इस फोन का आउटडोर कंडीशन। और राइट गाइस, तो देखा आपने दोनों फोन का आउटडोर कंडीशन। अभी चलिए इस दोनों फोन को एक साथ में हम बूट कर देखते हैं कौन सा ग्रेड का फोन अंदर से कैसा है। एंड दोनों फोन वाइब्रेट हुए, दोनों फोन का लोगो आ गया है, Xiaomi का आ गया है, वन प्लस का आ गया है। गाइस ये ग्रेड ई प्लस का फोन है, लिटरली देख सकते हैं बूट हो गया है। दोनों में डिस्प्ले खराब आ सकता है, स्क्रीन कैन बी डिफेक्टिव मेंशन होता है जब भी हम ऑर्डर करते हैं लोएस्ट ग्रेड में ग्रेड डी माइनस या फिर ग्रेड ई या फिर ग्रेड ई प्लस में, तो ऐसा होता है कि डिस्प्ले खराब आपको आ सकता है, स्पॉट आ सकता है, लाइन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। देखते हैं हमें क्या मिला है। तो दोनों फोन हमारे बूट हो रहे हैं, एंड हमारा जो पहला फोन है 5G फोन 11i 5G ये बूट हो गया है, एंड इसको मैं स्वाइप कर रहा हूँ, देख सकते हैं गाइस फोन बूट हो गया है, एंड डिस्प्ले में कोई लाइन स्पॉट ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हल्का सा ब्रोकन है, अगर ज़्यादा डीप ब्रोकन होता तो शायद कुछ लिक्विड इश्यू वगैरह होता, बट ऐसा नहीं है। एंड बात करूँगा इस डिस्प्ले की, तो टच रिस्पॉन्स की बात करें तो जी हाँ हो रहा है, डिले वगैरह मुझे फिलहाल तो देखने को नहीं मिला, देख सकते हैं फास्ट हो रहा है। एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर, जी हाँ बहुत फास्ट हो रहा है देख सकते हैं, एंड स्मूथ हो रहा है गाइस, जी हाँ एकदम स्मूथ है, दिक्कत नहीं है इस 5000 रुपये के फ़ोन के अंदर, देख सकते हैं स्मूथ है, दिक्कत नहीं है। एंड चलिए इसके थोड़े बटन्स वगैरह चेक कर लेते हैं, तो ये वॉल्यूम अप डाउन बटन वर्किंग है, पावर बटन ये भी वर्किंग है, एंड ब्राइटनेस वगैरह मैं पोल कर रहा हूँ, देख सकते हैं ब्राइटनेस लेवल अच्छा खासा है, बट फिर भी गाइस डिस्प्ले इसका आई थिंक कॉपी ही होगा, क्योंकि ग्रेड डी माइनस में डिस्प्ले कॉपी ही मिलता है। चलिए अभी इस वाले फोन का देखते हैं कंडीशन कैसा है। तो ये हमारा ग्रेड ई प्लस का फोन है, सिर्फ और सिर्फ 2900 रुपये का। वाओ गाइस इसका फर्स्ट इंप्रेशन में डिस्प्ले मुझे लग रहा है बड़ा ही मस्त है, देख सकते हैं गाइस मैंने इसको अनलॉक किया, एंड गाइस डिस्प्ले इसका लग रहा है कि एमोलेड पैनल है, जी हाँ गाइस सही बता रहा हूँ मैं, इसका डिस्प्ले का कलर्स एंड ब्राइटनेस लेवल अगर मैं देखूँ मैच करूँ मैं इस वाले फोन से,
तो आप देखिए इसका डिस्प्ले देखिए कितना एमोलेड पैनल जैसा लग रहा है, एंड इसका देख सकते हैं थोड़ा एलसीडी टाइप लग रहा है देख सकते हैं। तो गाइस लिटरली ग्रेड ई प्लस के फोन का ये जो हमको डिस्प्ले मिला है कितना ही मस्त मिला है। वैसे डिस्प्ले इसका भी शायद कॉपी हो सकता है ग्रेड ई प्लस में, क्योंकि फुल्ली रिपेयर फोन होते हैं ग्रेड ई लोएस्ट ग्रेड में, तो डिस्प्ले भी इसका शायद चेंज किया गया होगा। बट डिस्प्ले की क्वालिटी गाइस इसका देखिए कितना मस्त है, एंड कहीं से भी डिले वगैरह देखने को नहीं मिल रहा। मैंने सोचा नहीं था ग्रेड ई प्लस में इतना अच्छा डिस्प्ले हम मुझे रिसीव होगा, एंड देख सकते हैं टच रिस्पॉन्स भी कितना फास्ट हो रहा है, टाइम टू टाइम हो रहा है, डिले मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा देख सकते हैं, जो कि बहुत सही बात है गाइस। ये 2900 रुपये में क्या ही डील मिल गई हमारे सब्सक्राइबर को। बट हाँ, ग्रेड ई प्लस का है तो कुछ फंक्शनल इश्यू हो सकता है, कैमरा वगैरह शायद खराब होगा, फिंगरप्रिंट सेंसर खराब हो सकता है, नेट वगैरह सब कुछ, तो अभी सब कुछ हम टेस्ट करेंगे। फिलहाल तो आप देख सकते हैं इसका मैं ब्राइटनेस वगैरह फुल कर रहा हूँ, एंड इसके भी बटन्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो वॉल्यूम अप डाउन बटन ये तो वर्किंग है, ये पावर बटन ये भी वर्किंग है, एंड ये जो रिंगर की होता है स्लाइडर, तो गैस ये इसका वर्किंग नहीं देख सकते। पहला तो ग्रेड ई प्लस का है तो फिजिकल में भी आपको कुछ खराबी हो सकती है, तो ये वाला बटन इसका वर्क नहीं कर रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा ऐसे एकदम लूज है देख सकते हैं पूरा, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम दोनों फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर देखते हैं वर्क करता नहीं करता, दोनों का अबाउट फ़ोन भी हम देख लेते हैं। चलिए तो देख सकते हैं दोनों का अबाउट सेक्शन आपके सामने है गाइस। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर, जो अच्छा है नॉर्मल यूज के लिए, आपके लिए बेस्ट है, आपको बिल्कुल भी लैग फील नहीं होगा। 2024 में भी आप इस फोन के अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर पाएंगे, गेमिंग भी कर पाएंगे। इस वाले फोन की बात करें तो देख सकते 128 में हमने ऑर्डर किया था, तो 128 ही हमको रिसीव हुआ है, एंड मॉडल वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं, एंड ये 64 GB का है ठीक है। चलिए फिंगरप्रिंट ऐड करके देखते हैं दोनों में। तो गाइस दोनों फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, एक इसमें हमें बैक पे मिलता है, एंड इस वाले फोन में हमें साइड पे मिलता है। तो चलिए दोनों हम सेटअप कर लेते हैं, तो कैप्चर होने लगा है, एंड इसमें ये वाला दोनों ही कैप्चर हो रहे हैं। चलिए देखते हैं अभी, ऑलराइट, तो दोनों फोन में हो गया है कंप्लीट। चलिए अभी हम टेस्ट करते हैं, तो मैं दोनों फोन को एक साथ लॉक करता हूँ, एंड दोनों फोन को इधर मैं इसको इधर टैप करूंगा एंड अनलॉक, एंड इसको मैं इधर टैप करूंगा एंड अनलॉक। देख सकते हैं गाइस दोनों का फिंगरप्रिंट बिल्कुल स्मूथ वर्क कर रहा है। अभी मैं दोनों को अलग अलग फिंगर से ट्राई करूंगा, तो देख सकते हैं ये नहीं हो रहा एंड ये भी नहीं हो रहा, बट जैसे ही मैं राइट फिंगर से करूंगा तो देख सकते हैं अनलॉक हो जाएगा। तो फिंगरप्रिंट सेंसर मतलब कि दिक्कत नहीं है, दोनों वर्किंग है। चलिए इन दोनों का हम कैमरा देख लेते हैं, मेंशन था कि ग्रेड डी माइनस में गाइस मेंशन था कि इसका बैक कैमरा खराब होगा, तो देखते हैं। चलिए मैं दोनों का कैमरा ओपन कर रहा हूँ, एंड गाइस दोनों का ही बैक कैमरा वर्किंग है देख सकते हैं, बड़ा ही मस्त कैमरा है दोनों का। चलिए एक ऑब्जेक्ट का फोटो लेते हैं, एंड पहले इस वाले फ़ोन से लेंगे फिर इस वाले फ़ोन से लेंगे। बट गाइस अगर आप बट आप लोग सोच रहे होंगे कि वन प्लस का बहुत मस्त आ रहा है, बट इसका रीज़न ये है कि वन प्लस का डिस्प्ले बिल्कुल एमोलेड पैनल है, इसलिए बड़ा मस्त लग रहा है, एंड इसका थोड़ा एलसीडी टाइप इसलिए ऐसा लग रहा है। बाकी तो कैमरे की बात करें तो देख सकते हैं दोनों का कैमरा बिल्कुल क्लियर है, एंड क्वालिटी आप देख सकते हैं ठीक है। बात करें दोनों का फ्रंट कैमरा तो वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं, तो दोनों ही फ्रंट कैमरा बिल्कुल वर्किंग है, देख दोनों कैमरे वर्किंग है इस फोन। चलिए आउटडोर में जाके कुछ फोटो सैंपल एंड कैमरा से वीडियो सैंपल में लेके आता हूँ दोनों फोन का। तो गाइस अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये इस 2900 रुपये के वन प्लस सिक्स फोन का रेयर कैमरे का वीडियो क्वालिटी, एंड गाइस देख सकते हैं ऑटो फोकस भी हो रहा है, एंड थोड़ा जूमिंग भी कर लेते हैं तो 8x तक हम जूम कर पाएंगे। एंड गाइस अभी ये जो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ ये इसी इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप माइक्रोफोन क्वालिटी जज कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि 2900 रुपये में हमारे जो सब्सक्राइबर को कितना अच्छा कैमरा वाला एक फ़ोन मिल गया है। चलिए चेक करते हैं इसका फ्रंट कैमरे का वीडियो क्वालिटी। ऑलराइट गाइस, तो ये है इस फोन का फ्रंट कैमरे का वीडियो क्वालिटी जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये इस Xiaomi 11i 5G फ़ोन का है, रेयर कैमरे का वीडियो क्वालिटी है। ऑटो फोकस पे ध्यान देते हैं तो ऑटो फोकस तो बड़ा क्लियर एंड फास्ट हो रहा है, एंड थोड़ा जूमिंग क्वालिटी हम टेस्ट कर लेते हैं तो 6x तक हम जूम कर रहे हैं तो ओके ही है वैसे। एंड गाइस अभी जो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ ये इसी इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप क्वालिटी जज कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं इसका फ्रंट कैमरा का वीडियो क्वालिटी। एंड गाइस ये है इस फोन का फ्रंट कैमरे का वीडियो क्वालिटी, आप देख सकते हो ठीक है।
ऑलराइट गाइस, तो देखा अपने इन दोनों फ़ोन का कैमरा। चलिए अभी मैं इन दोनों फ़ोन को थोड़ा सेटअप वगैरह कर लेता हूँ एंड दोनों में सिम लगा देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट के बाद। दोनों फ़ोन को सेटअप कर लिया है मैंने, दोनों में सिम लगा दिया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले तो मैं दोनों फ़ोन को अनलॉक करूंगा। देख सकते हैं दोनों फ़ोन के अंदर गाइस सिम आ गया है एंड हमारे 5G फ़ोन के अंदर 5G डिटेक्ट हो गया है। एंड गाइस मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी स्पीड आ रही है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्पीड कितना आ रहा है 5G का। मैं टेस्ट हम करेंगे, देख सकते हैं मैंने गूगल रन किया, बहुत फास्ट हो रहा है। अभी हम स्पीड टेस्ट करके देखते हैं कितना आ रहा है। वैसे हमारे एरिया में गाइस, मैं थोड़ा गांव में रहता हूँ तो थोड़ा कम आएगा, बट देखते हैं कितना निकल के आता है। राइट गाइस, तो रिजल्ट आ गया है। तो गाइस पहले तो देख सकते हैं कि जो डाउनलोड स्पीड है वो निकल के आया है 245 MBPS, जो कि बहुत अच्छी स्पीड हम बोलेंगे। बट अगर अपलोड स्पीड की बात करें तो ये बस 1.42 MBPS है। अपलोड स्पीड वैसे कम ही आता है, बट डाउनलोड स्पीड आप देख सकते हैं बहुत मस्त है। मतलब कि 5G इसका बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। मैं आपको इसके अंदर यूट्यूब चला के भी दिखा देता हूँ इस शाओमी के फ़ोन के अंदर, जो कि 5,000 रुपये का एक 5G फ़ोन हमको रिसीव हुआ है। स्मार्ट शॉर्ट वीडियो में प्ले करके दिखाता हूँ, तो देख सकते एंड गाइस आप स्पीकर इसका सुन सकते हैं। इसके अंदर जो हमको डुअल स्पीकर मिलता है प्लस JBL का स्पीकर मिलता है, तो आप इसका स्पीकर क्वालिटी आप देखना। देखा आपने स्पीकर कितना मस्त है, लाउड है एंड बहुत ही मस्त स्पीकर क्वालिटी आ रही है। स्पीकर में कोई डस्ट ऐसा कोई सीन नहीं है, जो कि अच्छी बात है। एंड कॉल वगैरह कर रहा हूँ तो ये भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो 5G है वो भी बहुत बहुत मस्त चल रहा है। तो 5,500 रुपये का 5G स्मार्ट हमने जैसा कि टेस्ट किया, सब कुछ ओके, कुछ भी दिक्कत नहीं। चले अभी देखते हैं हमारा वन प्लस का जो फ़ोन है 2,900 रुपये वाला, ये कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ एंड गाइस इसका भी स्पीकर आप देख सकते हैं। तो वैसे इसका भी स्पीकर क्लियर है, इसमें भी कोई ऐसा स्पीकर बैठा हुआ है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। बाकी तो वैसे देख सकते हैं मैं स्क्रॉल वगैरह कर रहा हूँ तो स्क्रॉल वगैरह में होगा, ज़्यादा लैग तो नहीं हो रहा, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लग रहा है कि हल्का फुल्का मुझे लैग फील हो रहा है। बाकी ये वाला फ़ोन बिल्कुल स्मूथ चल रहा है क्योंकि इसका प्रोसेसर इससे बहुत अच्छा है इसलिए। बट गाइस बात करते हैं डिस्प्ले की, तो गाइस जी हाँ, डिस्प्ले हमको इस वन प्लस सिक्स का बहुत ही अच्छा मिला है। इसका थोड़ा एलसीडी टाइप है, बट इसका डिस्प्ले आप देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है, कितना ब्राइट है, प्लस कितने मस्त आ रहे हैं इस वाले डिस्प्ले के अंदर। एंड अभी हम इन दोनों फोन के अंदर कॉलिंग टेस्ट कर लेते। चलिए देख सकते हैं इस फोन से मैंने इस फोन में कॉल किया एंड कॉल आ गया है। चलिए मैं पिक करता हूँ। ओके, तो पहले इस वाले फोन से मैं कॉमेंट करता हूँ इस वाले फोन में, देखते कैसा आवाज आता है, माइक्रोफोन क्वालिटी हम जज कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अभी आप ये जो आवाज सुन रहे हो ये इस Xiaomi के फोन के माइक्रोफोन की है। तो देखा आपने बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रहा है इससे। अभी इस वाले फोन से हम बात करते हैं, तो अभी आप जो आवाज सुन रहे हो ये इस वन प्लस के फोन का है, वन प्लस सिक्स फोन का। मतलब ये गाइस दोनों का माइक्रोफोन बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, कॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। प्रॉक्सिमिटी सेंसर चेक कर रहे दोनों का। और राइट गाइस, देख सकते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस वाले फोन का वर्किंग है, बट इस वाले फोन का वर्किंग नहीं है, देख सकते हैं। तो ये एक डिफेक्ट निकला है। देखो ग्रेट डी माइनस में दो डिफेक्ट होता ही होता है, तो इस वाले फोन में एक डिफेक्ट है जो कि इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्क नहीं कर रहा, बाकी तो सब कुछ ओके ही हमने दिखा दिया। तो गाइस देखा आपने कि ये था इस दोनों फोन का फुल रिव्यू अनबॉक्सिंग, कि हमने अलग अलग ग्रेड में ऑर्डर किया था। देखो पहले तो ग्रेड ई प्लस का ये जो फोन है इसके अंदर डिफेक्ट की बात करें तो डिफेक्ट इसके अंदर एक है कि इसका ये जो स्लाइडर है वो वर्क नहीं कर रहा, बाकी इसके अलावा सब कुछ ओके है। एंड इस वाले फोन के अंदर गाइस सब कुछ ओके है, बट ग्रेड डी माइनस के मुताबिक इसके अंदर हमको स्क्रीन में थोड़ा सा क्रैक मिला है एंड फंक्शनल डिफेक्ट में इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्किंग नहीं मिला, बाकी सब कुछ ओके, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। हमने 5G टेस्ट भी कर लिया, बहुत अच्छा चल रहा है गाइस। 5,500 में ये 5G फोन मिला हमारे एक सब्सक्राइबर को एंड ये 2,990 में मैंने कस्टमर को दिलाया है, तो इसमें उन फायदा ये होगा कि उनका जो डिस्प्ले है वो उनको बहुत अच्छा मिला। देखो ग्रेड ई में शायद फोन बाय करते हमारे सब्सक्राइबर हमसे कराते तो शायद डिस्प्ले क्वालिटी उनको बहुत लो क्वालिटी का मिलता, बट ये ग्रेड ई प्लस का उन्होंने करवाया था एंड इसका डिस्प्ले उनको बहुत अच्छा मिला है। देख सकते हैं डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही मस्त मिली है एंड बिल्कुल स्मूथ चल रहा है डिस्प्ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट शायद कस्टमर का लक सही था इसलिए ऐसा मिला, या फिर कभी कभी बिल्कुल लो क्वालिटी का भी डिस्प्ले आ सकता है, क्योंकि गाइस दोनों बिल्कुल लोएस्ट ग्रेड के फोन हैं, बट फिर भी डिस्प्ले दोनों का बिल्कुल सही चल रहा है, टच डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो गाइस ये था इन दोनों फोन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक करना एंड गाइस अभी वक्त आ गया है दोनों फोन को पैक करके भिजवाने का हमारे सब्सक्राइबर के पास। अलग अलग हमारे कस्टमर है, दोनों अलग अलग स्टेट से, एक हमारे गुजरात से है और एक हमारे वेस्ट बंगाल से है, ठीक है। तो गाइस चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो में। आपको भी ऐसे ऑर्डर करवाना हो तो हमारा नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे अगर आपको डील में फोन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे हम अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं। तो चल टेक केयर।